से उतारा गया एक लजीज और मौजजाती गिजा। ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों नाजिल किया गया था? क्या ये गजा जन्नत से आया था या जमीन पर पैदा हुआ था? बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि इसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है? जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फिरौन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहर अहमर को पार किया और फिरौन अपने लश्कर समेत समुंदर में गर्क हो गया। जब हज़रत मूसा को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज़ मुकद्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुकद्दस सरज़मीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो उन्हें अता की जाने वाली थी। लेकिन उस वक्त अर्ज़ मुकद्दस पर कौम अमालका का कब्ज़ा था, जो बदतरीन कुफ्फार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और नहायत ही ज़ालिम लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमराह लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुकद्दस के करीब पहुँचे तो उनके दिल में खौफ तारी हो गई और बुजदिली पैदा हुई। उन्होंने हज़रत मूसा से कहा, इस शहर में जब्बारीन हैं जो बहुत ज़ोर आवर और ज़बरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज़ वहाँ दाखिल ना होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से ये कह दिया कि ऐ मूसा, आप और आपका खुदा जाकर उस ज़बरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हज़रत मूसा को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें ये सज़ा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहाँ 40 सालों तक वो भटकते रहे, मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके। इस मैदान का नाम मैदान तिया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रिवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुँचते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहाँ से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सब का सामान ख़त्म हो गया, तो सारी की सारी कौम तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगी और माफ़िया मांगने लगी। मैदान तिया में होने वाले इस सख्त इम्तहान और मुश्किलात को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आपने अल्लाह के बारगाह में उनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार अताएँ और नेमतें नाजिल फरमाई। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा एक चट्टान पर मारा, तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीले के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। चूंकि ये वादी वसी मैदान पर फैला था, वहाँ सर छुपाने के लिए कोई जगह न थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपिश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे, लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। इसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। इसके अलावा भी अल्लाह ने उन पर बहुत सी इनायतें की थी। उन्हीं इनायतों और नेमतों में एक नेमत मन व सलवा था। दरअसल अल्लाह ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म के गिज़ा उतारे थे, एक का नाम मन और दूसरा का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी गिज़ा थी। इंजील के किताब खुरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज़ पड़ी है, जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल उसे देखकर कहने लगे, मन यानी ये क्या है? तब मूसा ने उनसे कहा कि ये वही गिज़ा है जो खुदावंद खुदा ने तुम्हें खाने को दी है, और उसने तुझको पहले आजमाइश में डाला और तुझे भूखा रखा, फिर वो मन जिसे तू और तेरे बाप दादा भी न जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही ज़िंदा नहीं रहता। मन दरअसल एक शबनमी गोंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गोंद वहाँ के पेड़ पौधों के पत्तों पर जमा हो जाता था और बनी इसराइल रोज़ उसे सुबह सवेरे जमा करके खा लेते।
जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जो शख्स उस वक्त सोया रहता था वो उस दिन के खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त जुनूब की तरफ से हवाएं चलती तो उन परिंदों के हुजूम बनी इसराइल के खेमों के करीब आकर बैठ जाते, लिहाजा वो लोग उन्हें बा आसानी पकड़ लेते और भून कर खाया करते। मन सलवा ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाता था, रंग खुशबू और जायके में बेमिसाल था। इसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह की तरफ से ये मुआजजा हुआ कि उनके बाल और नाखून बड़े नहीं होते थे, ना कपड़े फटते ना ही मैले होते, और जिन बच्चों की भी पैदाइश होती उनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ बड़ा होता जाता था। इस तरह इस वादिये तिया में बनी इसराइल मन व सलवा और उन चश्मों के सहारे एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोज़ाना तुम लोग मन व सलवा को खा लिया करो और कल के लिए हरगिज़ इसका ज़खीरा ना करना। मगर बाज़ लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मन व सलवा ना उतरा तो हम लोग इस चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनांचा उन लोगों ने मन व सलवा में से कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया। लिहाजा नबी की नाफरमानी करने पर ऐसी नहुसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतर बंद हो गया। लिहाजा अहादीस मुबारका में रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी ख़राब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का ख़राब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था और ना गोश्त सड़ता था। दुनिया के मुख्तलिफ कौमों और मज़हबों में भी आसमान से उतरने वाले ग़िज़ाओं का जिक्र मिलता है। बुद्ध मत के रिवायतों के मुताबिक जब दुनिया का एक चक्कर ख़त्म हो जाता है तो आसमान से ग़िज़ा बरसने लगती है। इसी तरह हिंदू मज़हब के पुराण ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी बादलों से शहद बरसने का जिक्र मिलता है, और कदीम यूनानियों के यहाँ भी एक ऐसी आसमानी ग़िज़ा का जिक्र मिलता है जिसका जायका शहद जैसा था। यही शहद जब दरियाओं पर बरसता तो उनका रंग दूध की तरह सफ़ेद हो जाता। हमने देखा कि खुदाए बरहक ने बनी इसराइल के निजात के लिए समुंदर को चीरकर रास्ता पैदा कर दिया, वादिये तिया में उनके लिए बादल का साया भेजा, उनके पीने के खातिर चटियल और बंजर मैदान में चश्मे जारी किए और खाने के लिए आसमान से मन व सलवा भी नाजिल किया। लेकिन इन तमाम नेमतों और राहतों के मिलने के बावजूद बनी इसराइल के सरकश लोगों ने अल्लाह पर तवक्कल न किया। उन्होंने खुदा के मुआजजात को अपने आँखों से देखा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खाने को अगले दिन के लिए जमा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी मुसीबत और परेशानी में फंसे होते हैं तो हम ये याद नहीं रख पाते कि अल्लाह ने इससे पहले हमारे लिए क्या किया और हमें कितनी नेमतें अता की थी। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ये याद रखनी चाहिए कि उन मुश्किलों से भी बड़ा हमारा परवरदिगार है जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसी तरह रिस्क के खातिर हमें आने वाले दिनों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद पर भरोसा रखने वालों को वो गैब से रिस्क अता करता है।